अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको देख रहे हैं हमारी तरफ छोटे नन्हे मुन्ने से मेहमान हैं, ये हैं अली मुर्तजा नन्हे मुन्ने से, और ये हैं अब्दुल हादी, ये ब्रदर्स हमारे। ये बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं और ये क्रिकेट खेलने आए थे। कल मैं फ्रेंड्स के साथ तो क्रिकेट खेल नहीं पाया, लेकिन ये मेरी तरफ आ गए तो हमने थोड़ी देर गैरेज में क्रिकेट खेले। ये बेचारे मेरे दो भाई दोबारा या कह रहे रुमान पे आ जाए क्रिकेट दोबारा खेल लें। तो अली मुर्तजा आप क्या कह रहे हैं, क्रिकेट दोबारा खेलें? नो, अली तो वैसे ही बोर हो रहे हैं, अली इतना नहीं करता, लेकिन ये अब्दुल हादी तो बेचारा। अब्दुल हादी दिखा यार क्या लाया क्रिकेट के लिए, बॉल भी लाया। अब्दुल हादी तो यार बॉल भी ले आया, कह रहा क्रिकेट खेला, लेकिन यार हम पहली तरावी से बहुत लेट हो रहे हैं। मैंने कहा सॉरी ब्रदर्स, आज मैं तरावी से लेट हो रहा हूँ और आज शायद फ्रेंड्स के साथ भी प्लान है क्रिकेट खेलने का। और अली वैसे यार, अली तो बोर होता है यार ब्रो। अली आप क्यों बोर हो रहे हो यार, घर जाना है आपने? नहीं, अली ज्यादातर ना फोन पे गेम खेलने का शौकीन है। कौन सी आजकल ब्रो गेम चल रही है? फ्री फायर। अब्दुल हादी ब्रो आप भी आजकल थोड़ी बहुत? yes. ओ देखे तो अली यार, ये तो भी निकल रहे हैं, मैं भी तरावी के लिए पहले बहुत लेट हो रहा है, तो तरावी पकड़ने निकलते हैं। ओके, तरावी अदा करके आ गए थे। इस वक्त टाइम हो चुका है 11 बज गए, क्योंकि देर इसलिए हो गई है क्योंकि असाइनमेंट वगैरह मिली हुई थी यूनिवर्सिटी से, तो वो उसके वो कंप्यूटर पे बैठे रहे तो घंटे मेरे से 1.5 घंटा 1.5 घंटा उधर लग गया, टाइम का पता नहीं चला। फ्रेंड्स की कॉल आ रही हैं कि यार आ जा जा क्रिकेट खेलने, तो अब क्रिकेट खेलने चलते हैं। घंटा ही होगा घंटे, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, नहीं तो लेक्चर में या तो सो रहे होंगे या तो सारा दिन ही सोते हुए गुजर जाने, इसलिए सोना ज़रूरी है। घंटा को खेलेंगे क्रिकेट, उसके बाद आते आज क्रिकेट। बैक होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, इस वक्त टाइम हो चुका है 1 बज गए हैं। क्रिकेट खेलते खेलते इतना टाइम तो हो ही गया है, जल्दी जल्दी से अपनी ग्रीन टी खत्म करता हूँ और सोने को निकलता हूँ। कम से कम 1 घंटा नींद मिल जाए, वो भी नींद लेनी है, ये नहीं कि सोना नहीं है, सोना ज़रूर है। कम से कम आधा घंटा नहीं, कम से कम 1 घंटा नींद ले लूँ और सारी टाइम उठते हुए जल्दी से सारी करते हैं, पहले अपनी ग्रीन टी फिनिश करते हैं और फिर सोने को निकलते हैं। ओके, वेरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो गई, हम उठ गए हैं और सारी टाइम इतनी नींद आ रही थी, बिल्कुल फ़ोन पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत बहुत नींद आ रही थी। बड़ी मुश्किल से बस सारी की नमाज वगैरह अदा की और सो गए, और सुबह भी बस उठ के जब इतनी नींद आ रही थी लेक्चर लेने के लिए, भागा सुबह 8 बजे लेक्चर था, उसके बाद घर आके थोड़ी देर आप फ्रेश वगैरह होकर शावर वगैरह लेके अब दोबारा लेक्चर लेने जा रहे हो। 12:30 हो गए हैं, 1 बजे हमारा वो का लेक्चर है, लेक्चर लेने निकलते हैं, इसलिए मैंने कहा वीडियो बना लें यार पहले। अभी वैसे मैं घर आया था, जब शावर भी बेशक मैंने ले लिया था, मैं नींद वैसे ही बहुत आ रही थी अभी भी, तो मैं शायद मैं लेक्चर लेके वापस आके दोबारा सोचूं, लेकिन अभी हम लेक्चर लेट हो रहे हैं, सबसे पहले हम लेक्चर लेने चलते हैं आज। बाहर इतनी यार गर्मी है, इतनी गर्मी बाहर, आगे पीछे यार गर्मी होती है रोज़ा फील नहीं होता, लेकिन आज तो यार गर्मी इतनी है कि रोज़ा भी फील हो रहा है। नींद का अलग है, पता नहीं अजीब सी तबीयत हुई पड़ी है। लेक्चर लेके घर आए हैं, सुकून ज़रा मिला, इसी में बैठे हैं थोड़ी देर, अब लेट गया हूँ मैं भाईजान, मैं तो सोने लगा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे भाईजान हर वीडियो में तो गर्मी वेदर फोरकास्ट ही, तो भाईजान जो सच है वो सच है, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है, मैं लेटने लगा हूँ क्योंकि आगे पीछे कम से कम रोज़ा नहीं लगता था गर्मी में, लेकिन आज तो रोज़ा भी लग रहा है, इसलिए मैं भाई सोने लगा हूँ, मैं तो गया सोने। ओके, उठ गए भाईजान सो के, नींद वगैरह ले लिया सर की नमाज, उठ के दाग कर लिया, 1 घंटा 2 घंटे तो नींद ली है, लेकिन जो एक गर्मी की एक अंदर बॉडी के अंदर एक गर्मी है ना, वो नहीं ख़त्म हो रही। कोई बात नहीं, अब माशाल्लाह 1 घंटा ही रह गया अफ्तारी के अंदर, तो अब देखते हैं आज यार अफ्तारी में क्या बना हुआ है। पहले सामने देखें यार कमाल, ये मैक्रोनीज रेडी पड़ी हुई हैं, और आज और भी मम्मा ने कुछ उतारी थी, देखते हैं और क्या क्या है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यार ये ब्रेड है, और ये आज कोई नए टाइप का ही लग रहा है, मम्मा सर ने कुछ बनाया है, वो देखते हैं अभी। इसको सैंडविच बनेंगे, सारा सामान रेडी है, तो ऐसा करते हैं सैंडविच तो बनाते हैं आज।
तो भाई सैंडविच के लिए हमारे पास सबसे पहले होगी ब्रेड, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये जो मम्मा यान ने बनाया है, पता नहीं क्या क्या मायनीज और सैलड्स को मिला के क्या चीज़ है, चेक करेंगे आज। उस दिन तो पिज़्ज़ा सैंडविचेस बड़े टेस्टी थे, और क्रीम भी मुझे लग रहा है मिलाई हुई है बीच में। अब इसे इस तरह लगाते हैं। यार इसमें तो लग रहा है चिकन के चंक्स भी हैं, तो मुझे ये तो आज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और मज़े की लग रही हैं। बस ये ना हो कि रमज़ान के बाद अपना वज़न संभाला ही ना जाए, चीज़ें जो हम अफ्तारियों में इतनी खाई जा रहे हैं, कभी रोल कभी समोसे। ये तो हमारा रेडी हो गया आई थिंक। सो उसके बाद हम इसके ऊपर एक और दूसरी रखेंगे ब्रेड, और ये हमारा सैंडविच हो गया तैयार। और एट द एंड हमने इसे बीच में से कर देना है कट। ये हो गया रेडी। अब हम इसे खाएंगे अफ्तारी में और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का था। अफ्तारी में खाएंगे और टेस्ट का फिर बताएंगे कैसा टेस्ट है। अभी भाईजान हमारे सामने फ्रूट्स भी कट रहे हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है अभी। वो देखें आई थिंक सो बन रही है। तो आज तो अफ्तारी में जिस तरह मैं कह रहा था रोज़ा लग रहा है, तो आज तो मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह दस्तान फुल होगा अफ्तारी में। देखते हैं फिर अफ्तारी, अभी आई थिंक सो 50 मिनट्स या 45 मिनट्स रह गए अफ्तारी में। अब ज़रा फ्रेश हो, आहिस्ता इस तरह सांस आ रही है, फ्रेश हो रहे हैं, तो थोड़ी सी हेल्प वगैरह करवाते हैं मोमैन की, और फिर मिलते हैं। आई थिंक सब अफ्तारी में मिलेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी कर लिया, सुकून मिला, थोड़ा सा पानी वगैरह शरबत वगैरह पिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून मिला है। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आज की अहादीस जो हमारा सेशन चल रहा है पूरा, तो पहले अहादीस सुनाते हैं फिर ख़त्म करते हैं। और अहादीस इधर बैठ के तो नहीं, तो मैं आपको कहीं रख के फिर अहादीस सुनाता हूँ। सो द अहादीस ऑफ द डे इज द प्रोफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टेक सुहूर एज देयर इज अ ब्लेसिंग इन इट। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो, उसके अंदर बरकत है, ब्लेसिंग इन इट बरकत है उसके अंदर। सुभान अल्लाह, इससे हमारा यही मतलब मिलता है कि हमें रोज़े भी रखने चाहिए, सहरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सहरी करनी चाहिए, अफ्तारियाँ करनी चाहिए, और रमज़ानबारी का खूबसूरत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ समेटनी चाहिए। इस खूबसूरत महीने का सुभान अल्लाह हमें पता भी नहीं चला, एक अशरा गुजर भी गया है, रहमत का अशरा गुजर गया है, अब मग़फ़िरत का अशरा आ गया, तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो इन दुआओं के साथ ही इस आज की वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।